यहाँ एक ही सत्य है और वह परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन है, पल पल परिवर्तन है, पर कोई एक तत्व कभी नहीं बदलता। उस एक तत्व को हमने सनातन शाश्वत कहा, सार्वभौम सार्वकालिक कहा, उस एक तत्व को हमने ईश्वर तत्व कहा, आत्म तत्व कहा। देह में परिवर्तन है, काय के कलेवर, ये कलेवर में परिवर्तन है, मन बुद्धि में परिवर्तन है। मन एक जैसा कहा है, मन तो बदलता रहता है, आज अभी कुछ है कल कुछ और होगा। मन कुछ तो कुछ भी नहीं है, द्रव्यों का एक घनी भूत पुंज है, कुछ भी नहीं है। मन माने केमिकल्स, कुछ भी नहीं, इमोशंस फीलिंग्स टेम्पटेशंस, मन है क्या? कुछ भी नहीं। साइकोबायो टेंडेंसीज, मन है क्या? विचार, कल्पना, भावना, स्मृति, मन है क्या? ग्रहण और त्याग, हे और उपादेय का विचार, हानि और लाभ पर चिंतन, यश और अपयश, जन्म और मरण की कोई एक अनुभूति, और है क्या मन? मन तो कामना है, वासना है, स्पृहा है, लालसा है, ईर्षा है, राग द्वेष है, अभिनिवेश है, भय है, जुगुप्सा है, घृणा है, ग्लानी है, सुख दुख की अनुभूति का नाम मन है। हर पल बदल रहा है वो तो, कोई मन एक जैसी चीज है क्या? नहीं, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं, प्रकृति बदल रही है, बुद्धि बदल रही है। आप नहीं बदलते हैं, आपने इस सब को बदलते हुए देखा है। तो विचलित मत हो जाओ, जब यहां सब चीज बदलती है तो लोग भी बदल जाएंगे, वो एक जैसे कहां रहते हैं? फिर एक जैसी परिस्थितियां स्थितियां कहां रहती हैं? जब आपका एक जैसा शरीर नहीं है, एक जैसा विचार नहीं है। भागवत अमर ग्रंथ है, अमरता की ओर ले जाने वाला ग्रंथ है, नित्यता के प्रकाशन और जो शाश्वत है, सनातन है, सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, उसके बोध का ये उपक्रम है। अभी आप तत्पर हैं बोध के लिए, यथार्थ के बोध के लिए, सत्य के प्रकाशन के लिए, उस अमरता के अनावरण के लिए कि जो अमर है। सुखदेव मुनि बोध करा रहे हैं परीक्षित को कि कौन मरेगा सातवें दिन, सांप किसे डसेगा सातवें दिन, देह मर भी गई तो तू देह है क्या? तू तो नहीं मरने वाला है, मरेगा कौन तुझमें? अगर ऋषि का श्राप है भी तो ऋषि का श्राप आपको लगने वाला है या देह को? मरेगा कौन? परीक्षित मरेगा, उसकी देह मरेगी, आपको डसेगा सांप या देह को? तो इसमें मरेगा कौन? इसमें है क्या? तू कहां है? तू कर्म है, प्रारब्ध है, संचित है, क्रियामान है, भोग है, गति मति है, गुण और प्रकृति है, संस्कार और विचार है, स्वप्न और काया है, रंग और रूप है, वर्ण और आकृति है, क्या है? वो चीज खो जाएगी परीक्षित, तू नित्य है। वर्ण बदलता रहता है, शरीर की आकृति बदलती रहती है, और आ भी गया तक्षक सातवें दिन, सर्प आ भी गया, जैसा कि ऋषि की वाक मिथ्या नहीं होंगे, ऋषि के शब्द तो मिथ्या नहीं होंगे, मृषा न होए देव ऋषि भाखा, साधु बोले सह स्वभाए, साधु का बोला वृथा न जाए।